आगे बढ़ते हैं, अगर रुक करेंगे दुर्ग का तो यहां से जानकारी ये कि चींटियों ने मरीज को यहां पर निवाला बना है। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की घटना आपके साथ साझा कर रहे हैं। मरीज के चेहरे में चींटियों का गुच्छा पाया गया है। मरीज को देखते ही परिजनों के होश उड़ गए। शिकायत पर जिला अस्पताल से टीम भी यहां पर पहुंची। पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। सुपेला थाना क्षेत्र की एक घटना है। दुर्ग से जानकारी, चींटियों ने मरीज को निवाला बनाया है, गंभीर लापरवाही यहां पर। भिलाई के चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल की एक घटना है। मरीज के चेहरे पर चींटियों का गुच्छा पाया गया। मरीजों ने इसकी शिकायत भी निश्चित ही पहले की होगी, लेकिन देखिए कितनी बड़ी लापरवाही प्रबंधन की तरफ से। मरीज को देखते ही परिजनों के भी होश उड़ गए। शिकायत पर जिला अस्पताल से टीम पहुंची थी और पूरे मामले की जांच अभी भी लगातार जारी। सुपेला थाना क्षेत्र की घटना है। जांच के बाद निश्चित ही कार्रवाई का आश्वासन, लेकिन गंभीर लापरवाही अस्पताल प्रबंधन की। चल के ऐसा किसी दूसरे मरीज के साथ ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा हॉस्पिटल प्रबंधक को ध्यान देना है कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये चीज़ दोबारा ना हो। अस्पताल में कोई भी मरीज, चाहे वो कैजुअल्टी में हो, वार्ड में हो, आईसीयू में हो, कहीं पे भी हो, अगर ऐसी स्थिति है कि जैसा पता चला कि उसके चेहरे पे कुछ जो बैंडेज लगा हुआ था वहाँ पे चींटियाँ दिखी, तो निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है और इसकी तह तक जाके जांच के बाद में जो भी नतीजे आएंगे उसके हिसाब से नियम तक कार्रवाई करेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी हम लेंगे इससे कि मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, गंभीर लापरवाही अस्पताल की तरफ से, क्या कुछ कहा गया फिलहाल इस पर? देखिए, काफी गंभीर ये पूरा मामला हुआ है। इसकी शिकायत दुर्ग जिला चिकित्सालय में करने में मंत्री तक इसकी शिकायत की गई है और उसके बाद में रात के ही तकरीबन 11 बजे के आसपास में पूरी टीम वहां पर पहुंची है और पूरी टीम पहुंचने के बाद वहां पूरी जांच की जा रही है, क्योंकि एक काफी गंभीर विषय है कि जब कोई आईसीयू में भर्ती एडमिट है, उसके चेहरे में चींटियों का गुच्छा, वो भी एक नहीं कई चींटियां उसके चेहरे में गुजर रही है, तो काफी बड़ा गंभीर विषय था और इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी था। यही वजह थी कि वहां पर हंगामा किया गया, उसके बाद में इसकी शिकायत की गई है और पूरी जांच की जा रही है। टीम, जांच टीम में पहुंचे डॉक्टर आर के अग्रवाल का ये कहना है कि जो भी इसमें जांच में दोषी पाया जाएगा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की जो घटना हुई है वो दोबारा ना घटित हो, इसका भी जरूर ख्याल रखा जाएगा। तो अभी फिलहाल जांच की गई है, इसकी पूरी रिपोर्ट जो है कलेक्टर को सौंपी जाएगी और उसके बाद में जो जो भी जिस तरह की कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को जरूर पूरा किया जाएगा। जी चलिए, उम्मीद यही मिथिलेश की जल्द से जल्द कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।